दिल्ली से तो प्रदर्शन चल रहा है, उसका बड़ा अवसर है। देखो हमारा ये है, नहीं नहीं वो ना पंजाब का है ना, उसका एक संगठन है, उनका वो प्रोग्राम है, उन्होंने उसकी कॉल दे रखी है, और अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिड होगा तो सब किसान देश का साथ में है, ना हमारे से दिल्ली दूर है ना किसान दूर है। अपनी बात कहने आ रहे हैं, पूरा देश में अलग अलग तरीके से लोग अब अपनी बात कह रहे हैं, तो सरकार उनकी बात सुने, और सबके मुद्दे एक हैं, वो कर्जा माफी का है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का लागू करने का है, एमएसपी गारंटी कानून का है, फसलों के दाम का सवाल है। पूरे दिल्ली में आज प्रोटेस्ट हो रहा है, सारे फार्मर्स का, लेकिन आज आप नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सब उसका फार्मर्स का नहीं है, कुछ संगठन है जो वहां पर जा रहे हैं, कुछ की जो एसकेएम है उसकी 16 फरवरी की कॉल है, तो अलग अलग उसमें अलग अलग तारीखों में सब लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक संगठन है, और हमारे मूवमेंट में सब लोग साथ रहे, हम जब दिल्ली में 13 महीने चला, अपनी बात कहने का देश में सबको राइट है, और सरकार उनकी बातचीत सुने, दो दौर की मीटिंग हुई है तो सरकार फिर बात करे, जब 13 महीने में हमारी 14 दौर की वार्ता हुई सरकार से, तो अभी उनसे सरकार को बात करनी चाहिए, इशू सबके एक हैं, सेम इशू हैं, कोई एक दिन पहले चल गया, कोई एक दिन बाद में चल रहा है। हमारा 16 फरवरी को है ग्रामीण भारत बंद का है, लेकिन पुलिस और जो प्रशासन सरकार जो अत्याचार कर रही है, दीवारें खींचना, उनको रोकना, गांव में अलाउंसमेंट करवाना, उनके ऊपर केस रजिस्टर करना, वो गलत है, उन सब में हम सब लोग साथ हैं, ना हमारे से किसान दूर है ना हमारे से दिल्ली दूर है, हम सब निगाह बनाए हुए रखे हैं। बात की है जो आपने कहा कि अत्याचार चल रहा है आज कर्नाटक के फार्मर्स को भी, मध्य प्रदेश में, भोपाल में, वो कल उनको अरेस्ट करा है, और लोग ये मूवमेंट का हिस्सा है, ये पूरा एक गिरफ्तारी भी आंदोलन का हिस्सा है, कल वहां से करीब 200 से 250 लोग कल तक अरेस्ट हुए हैं, उसमें कर्नाटक के किसान हैं और अपने जो अपने संगठन के एसकेएम के वो भी करीब 200 लोग से ज्यादा हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसके बाद में देखते हैं। हमने कहा कि किसी का कोई बेल नहीं करवाने अभी, यहाँ के बाद में उनको शाम तक और कल तक देखेंगे। सर आपकी सवाल आज आपसे ये कि आज ये जो भी चल रहा है, 2 साल पहले आप ही ये सारे प्रोटेस्ट के सामने थे, सर आप सबको साथ में लेके चल रहे थे, आज अभी सवाल वो हो जाते हैं, वे सब अलग अलग कुछ हो जाते हैं, जो भी सीनियर लीडर्स थे सर, तब फार्मर को जो भी आगे लीड कर रहे थे, चाहे आप हो, चाहे जो भी हो, आज वो सब क्यों नहीं हो सकती? नहीं नहीं सब अलग अलग हो जाते हैं, किसी उस पर हो जाते हैं, एसकेएम इस मूवमेंट में अभी साथ नहीं है, लेकिन दूसरे लोग हैं, वे भी किसान हैं और इशू सबके एक हैं। देश में बहुत आंदोलन चल रहे, 500 से ज्यादा संगठन है देश में, तो कोई कभी कॉल दे देता है, कोई कभी दे देता है। सर 2 साल पहले जब आपने एजिटेशन किया था सर, हमने देखा कि उसका काफी असर पड़ा, पूरे देश का जो भी था सब गया था एक तरफ, और सारा सपोर्ट फार्मर्स के साथ था वो एजिटेशन के टाइम में। आपको लगता है सर कि इस साल भी लोकसभा इलेक्शन से पहले बहुत दबाव है सर आज सरकार पे कि फार्मर्स की जो भी मांग हो उस सबको पूरे करे, और पूरा करनी चाहिए सरकार को? देखो अगर उन किसानों के साथ में छेड़खानी करी, उनके साथ में कोई भी बल प्रयोग करा, तो पूरा देश का किसान फिर इकट्ठा है, उनको जाने दे जहां वे जाए, ये तो बातचीत से समाधान करो या उनको बैठने दो, इससे अलग कोई भी काम होगा तो देश में फिर बड़े आंदोलन होंगे। हमारा ग्रामीण भारत बंद है, किसान खेत हड़ताल है, अपने खेत में न जाए, काम न करें, तो एक दिन का ग्रामीण भारत बंद, जो ग्रामीण दुकानदार हैं वे बंद रखें, ट्रांसपोर्टर हैं जो और लेबर हैं वे अपना बंद रखें, ग्रामीण भारत बंद 16 तारीख का। आपको लगता है सरकार सुनेगी? सुन लेगी, अब नहीं सुनेगी बाद में सुन लेगी।